नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं आप लोगों को ट्रेटिनोइन क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और जब आप ये यूज़ करते हो तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं स्किन और हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज़ क्लिक ऑन दी आई कार्ड अबव। तो ये ट्रेटिनोइन क्रीम क्या है? ये एक विटामिन ए क्रीम होता है। इसको हमेशा आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आप मुझे पूछोगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप ये दवाई के बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सको। कभी कभी बिजी ओपीडी में डॉक्टर आपको ज़्यादा सुझाव ना दे पाए और वो इस दवाई के बारे में डिटेल में भी ना आपको बता पाए, तो इस वीडियो के ज़रिए आप इस दवाई को बेटर समझ पाओगे। लेकिन इसको प्लीज़ हमेशा एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस्तेमाल कीजिए। कभी भी खुद से केमिस्ट से जाके दवाई खरीद के ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो ये दवाई आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। तो ट्रेटिनोइन कैसे काम करती है? हमारे स्किन में दो लेयर होते हैं, ऊपर का एपिडर्मिस और नीचे का डर्मिस। और ये ट्रेटिनोइन दोनों हिस्सों में काम करता है, एपिडर्मिस में भी और डर्मिस में भी। ये ट्रेटिनोइन क्रीम हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स, उसकी कोहिसिवनेस कम करता है, मतलब कि एक दूसरे को चिपकने से कम करता है। तो जब भी आप इसको ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स में लगाते हो तो जो भी स्किन सेल्स चिपकने की वजह से जो जम जाती है रोम छिद्र में, ये जमने को ये कम करता है और इसकी वजह से व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स कम होने लगते हैं। तो जो भी रोम छिद्र में लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को ये स्टेबलाइज करता है ताकि वहाँ पे ये बार बार सेल्स ना जमें और आपको व्हाइटहेड्स ब्लैकहेड्स ना हो। अगर ये स्किन की लेयर पतली हो गई है तो इसको भी ये मोटा करता है, क्योंकि ये ऊपर की परख को निकालता है तो ये नई त्वचा को एक्सपोज करता है। तो जो भी हमारी त्वचा आएगी उसका टेक्सचर बेटर रहेगा, वो थोड़ा स्मूथ दिखती है और मुलायम भी लगती है। ट्रेटिनोइन क्रीम दाग धब्बे को भी कम करता है। ये मेलानिन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कि कहीं पे भी अगर मेलानिन जमने की वजह से आपके काले धब्बे हुए हैं तो ये उसको उतारता है और जो भी नया मेलानिन बनता है वो अच्छे से फैल जाता है, एक ही जगह पे जमता नहीं है। तो इसकी वजह से काले दाग धब्बे कम होने लगते हैं। ट्रेटिनोइन क्रीम बाकी क्रीम्स की पेनिट्रेशन को बेटर करता है, मतलब कि वो क्रीम्स अंदर तक जा सकते हैं स्किन में और इसका इफ़ेक्ट भी थोड़ा बेटर आ सकता है। तो ट्रेटिनोइन क्रीम काफ़ी कॉम्बिनेशन में भी उपलब्ध है, जैसे कि ट्रेटिनोइन प्लस क्लिंडामाइसिन या ट्रेटिनोइन प्लस बेंजोयल पेरोक्साइड या ट्रेटिनोइन प्लस सैलिसिलिक एसिड। ट्रेटिनोइन को मिनोक्सिडिल लोशन के साथ भी कंबाइन किया गया है, मिनोक्सिडिल लोशन की पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए। डर्मिस में ट्रेटिनोइन कॉलेजन को मोटा करता है। तो हमारे स्किन उम्र के हिसाब से पतली हो जाती है और कॉलेजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसकी वजह से चेहरे में झुर्रियाँ आना और फाइन लाइंस रिंकल्स होना ये देखा जाता है। तो ट्रेटिनोइन डर्मिस में कॉलेजन को मोटा करता है और फिर स्किन थोड़ी प्लम्प लगने लगती है, मोटी लगने लगती है और यंग दिखने लगती है। तो ट्रेटिनोइन क्रीम कब इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रेटिनोइन क्रीम बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मुहासों में इस्तेमाल होता है। तो जब भी आपके मुहासे हैं, स्पेशली जब आपके व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स हैं, तो ये ट्रेटिनोइन बहुत अच्छा असर दिखाता है। पहले व्हाइटहेड्स ब्लैकहेड्स में कन्वर्ट होंगे, फिर उसके बाद ये निकल के बाहर आएंगे। तो शुरू में जब आप मुहासों में इस्तेमाल करोगे तो आपको लगेगा कि पहले 10 दिन या 2 हफ्ते तक आपके मुहासे थोड़े ख़राब हो रहे, लेकिन इसकी नियमित इस्तेमाल के बाद आपके मुहासे में काफ़ी सुधार आएगा और जो नए ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स बनने भी कम होने लगेंगे। मुहासे के अलावा इसको किसी भी डार्क स्पॉट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेलाज्मा या मुहासे के बाद होने वाले काले धब्बे में भी ट्रेटिनोइन क्रीम का अच्छा असर आता है। इसको हम ओपन पोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ओपन पोर्स के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो है, आप प्लीज़ ऊपर आई कार्ड में प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हो। ट्रेटिनोइन की नियमित इस्तेमाल से ओपन पोर्स भी श्रिंक होने लगते हैं और इसमें काफ़ी सुधार आ सकती है। ट्रेटिनोइन क्रीम को
फाइन लाइंस और रिंकल्स मतलब कि झुर्रियों में भी लगा सकते हो। ये कॉलेजन को स्टिमुलेट करता है और कॉलेजन बनाने में प्रोत्साहित करता है, तो इसीलिए ये स्किन की थिकनेस थोड़ी मोटी हो जाती है और फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम दिखने लगते हैं। ट्रेटिनॉइन क्रीम स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स की में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स कॉलेजिन को चोट पहुंचने की वजह से होती है, तो ये ट्रेटिनॉइन क्रीम कॉलेजिन को बनाता है और स्किन को थोड़ी थिक करती है, इसीलिए आपको स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रेटिनॉइन क्रीम मिलिया, केराटोसिस पाइलारिस, लाइकेन प्लेनस, सोरायसिस में भी यूज़ किया जाता है। इसको हम स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एट्रोफी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अगर त्वचा स्टीरॉयड के बाद डैमेज हो गई है, पतली हो गई है, तो उसको भी हम बेटर कर सकते हैं ट्रेटिनॉइन की इस्तेमाल से। ट्रेटिनॉइन को प्लेन वॉट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे में प्लेन वॉट्स है तो ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपके वॉट्स के साइज़ को भी कम करेगा और इसको और फ्लैट भी करता है। ट्रेटिनॉइन क्रीम को हम कोई भी डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रोसीजर जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, केमिकल पीलिंग या लेज़र से पहले भी आप ये ट्रेटिनॉइन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे स्किन टोन में ऐसे जब भी प्रोसीजर्स करते हैं तो उसके बाद काले धब्बे छोड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। तो ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल से ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप अगर ऐसे प्रोसीजर्स करने वाले हो तो ये प्रोसीजर के 10-15 दिन पहले से आप ट्रेटिनॉइन क्रीम इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन की हीलिंग भी बेटर होगी, स्किन अच्छे से भरेगा और काला धब्बा भी नहीं छूटेगा। ट्रेटिनॉइन क्रीम को कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेटिनॉइन क्रीम एक बहुत असरदार क्रीम है, लेकिन अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आपके चेहरे में लालपन, खुजली और जलन भी कर सकता है। तो याद रहे कि ट्रेटिनॉइन हमेशा बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी चाहिए। आप एक मटर के दाने जितना ही ट्रेटिनॉइन लोगे वो काफ़ी है आपके पूरे चेहरे के लिए। अगर आप सिर्फ नाक के ओपन पोर्स में इसको लगा रहे हो तो तिल के दाने जितना ही इसको लेना है, बस एक डॉट आपके पूरे नाक के लिए काफ़ी है। तो इसको प्लीज़ ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना। और जब भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम शुरू करो हमेशा इसको कम समय के लिए रखें। पहले बार आप इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए रखें और फिर धो दे। दूसरे दिन आप इसको 45 मिनट रख सकते हो, फिर उसके बाद एक घंटा, डेढ़ घंटा, ऐसे करके धीरे धीरे टाइम को बढ़ा सकते हो। फिर जब आपको लगे कि आप इसको अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हो और आपको इससे कोई परेशानी नहीं होती तो फिर आप इसको पूरे रात तक छोड़ सकते हो। याद रहे कि हमेशा ट्रेटिनॉइन क्रीम आप कम कॉन्सेंट्रेशन में ही शुरू करें। ये अवेलेबल है 0.025%, 0.05% और 0.1% कॉन्सेंट्रेशन में। जब भी आप शुरू करो तो 0.025% क्रीम से ही शुरू करें और इसको हमेशा क्रीम फॉर्मुलेशन में ही लगाएं। जेल फॉर्मुलेशन थोड़ा इरिटेट कर सकता है स्किन को, तो जब भी आप ट्रेटिनॉइन शुरू करो हमेशा क्रीम से ही शुरू करें। ट्रेटिनॉइन क्रीम पूरे चेहरे में लगाने से पहले आपको आँखों के साइड की एरिया में, नाक के साइड की एरिया और मुंह के साइड की एरिया में भी वैसलीन लगानी चाहिए, वरना ट्रेटिनॉइन ये सब जगहों में जाके जम जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़े लालपन होना और कट्स भी देखे जाते हैं। इसीलिए हमेशा इसमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाएं, उसके बाद ही आप अपने पूरे चेहरे में ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये ट्रेटिनॉइन क्रीम को एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। ऐसा करके आपकी ट्रेटिनॉइन से होने वाली ड्राइनेस भी कम हो सकती है। तो ट्रेटिनॉइन क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आपको कब रिजल्ट्स दिखने को मिलेगा? अगर आप मुहासों में ये यूज़ कर रहे हो तो 2 से 4 हफ्तों में आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। जैसे मैंने पहले बताया, आपको पहले लगेगा कि मुहासे और ज़्यादा हो रहे हैं और लाल पड़ रहा है, लेकिन आप इसके नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे तो जो नए वाले वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है उसमें काफ़ी सुधार आएगा, वो बनने में भी रोकेगा और आपकी स्किन की टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप इसको एंटी एजिंग के तौर में झुर्रिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको 6 से 9 महीने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको रिजल्ट देखने से पहले। पहले आपको लगेगा कि आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ हो गई है, थोड़ी मुलायम हो गई है और थोड़ी फ्रेश दिखने लगी है। उसके बाद आपको जो फाइन लाइंस है उसमें सुधार आने लगेगा 4 से 6 हफ्तों में,
और जो आपके थोड़े गड़े हुए रिंकल्स है, डीप रिंकल्स है, थोड़े बड़े वाले झुरिया है, उसमें आपको 6 महीने से 1 साल में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। ओपन पोर्स में आपको 6 से 9 महीने में सुधार दिखने लगेगी। पहले आपको ओपन पोर्स थोड़े ज़्यादा दिखने लगेंगे, क्योंकि जो ओपन पोर्स के ऊपर जो डेड स्किन, जो परत बना दिया है, वो उतरने लगेंगे। उसके बाद आपके ओपन पोर्स थोड़े ज़्यादा लगने लगेंगे। फिर ये धीरे धीरे स्किन में कॉलेजन को मोटा करेगा और जो रोम क्षेत्र के आसपास की स्किन है उसमें कॉलेजन बनाएगा। फिर वो थोड़े सुकड़ने लगेंगे और ओपन पोर्स कम दिखने लगेंगे। इसीलिए इसका नियमित रूप से 6 से 9 महीने तक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है रिजल्ट्स देखने के लिए। स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स में आपको 9 से 12 महीने तक जब आप इस्तेमाल करोगे तब सुधार दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेटिनोइन धीरे धीरे कॉलेजन बनाता है, तो आपके स्कार्स भी कम दिखने लगेंगे और स्ट्रेच मार्क्स में भी सुधार आएगा। स्ट्रेच मार्क्स में इसका सबसे अच्छा रिजल्ट तब आता है जब आप लाल वाले स्ट्रेच मार्क्स में इसको यूज करते हो, जिसको बोलते हैं स्ट्राया रूब्रा। जब ये स्ट्रेच मार्क्स लाल होते हैं तब आप अगर ये ट्रेटिनोइन को यूज़ करते हो तो तब आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट दिखने को मिलेगा। ट्रेटिनोइन क्रीम का साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? ट्रेटिनोइन क्रीम आपके स्किन को थोड़ा लाल कर सकता है, थोड़ा इरिटेशन कर सकता है, जलन जैसा हो सकता है, खुजली हो सकती है और स्किन भी उतर सकता है। इसीलिए जब भी आप ट्रेटिनोइन इस्तेमाल करो हमेशा याद रहे कि आप एक मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर लगाएं। अगर आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो आप ये क्रीम इस्तेमाल करना बंद करोगे, सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे और 2-3 दिन में आपको इसमें काफ़ी सुधार दिखने को मिलेगी। अगर आपको ट्रेटिनोइन की नियमित इस्तेमाल के बाद भी थोड़ा लालपन, जलन होना और खुजली होना ऐसा होता है तो आप इसको सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही इस्तेमाल करें। हर रोज़ इस्तेमाल करने से आपको ये जलन और खुजली और ज़्यादा हो सकती है, तो आप इसको सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी दिन आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाएं। तो जब भी आप ट्रेटिनोइन क्रीम इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो आपको हमेशा एक सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ट्रेटिनोइन ऊपर की स्किन को उतारता है तो हमारी स्किन बहुत जल्दी से टैन हो सकती है, काली पड़ सकती है अगर धूप में जाते हैं तो इसीलिए सनस्क्रीन का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जब भी आप धूप में जाओगे आप हमेशा सनस्क्रीन इस्तेमाल करोगे और ये सनस्क्रीन को हर 2-2 घंटे में रिपीट करना है। सिर्फ एक बार सनस्क्रीन लगाने से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आप जब ये सनस्क्रीन को हर 2-2 घंटे में लगाओगे तभी ये प्रॉपरली आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो आपको बार बार चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, पहले की जो आप लेयर है वो परख है उसी के ऊपर आप नया एक लेयर बना सकते हो, लेकिन आपको बार बार सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ट्रेटिनोइन ड्राइनेस करता है इसीलिए एक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप ये मॉइस्चराइज़र को दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो सुबह चेहरे धोने के बाद तुरंत आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके ऊपर एक सनस्क्रीन लगाएं, और रात को ट्रेटिनोइन क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर आप एक मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी स्किन ड्राई सेंसिटिव है तो आप पूरे चेहरे में पहले एक मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद ही ट्रेटिनोइन क्रीम को लगाएं। इससे आपकी जो भी जलन, खुजली और लालपन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी चेहरे थोड़ी काली पड़ गई है ट्रेटिनोइन इस्तेमाल करने के बाद। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्किन फिर थोड़ी जल्दी टैन हो रही है। तो प्लीज़ सनस्क्रीन रेगुलरली इस्तेमाल करना। अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, ताकि आप जितना हो सके उतना धूप से बच सको। तो ये था डिटेल वीडियो ट्रेटिनोइन क्रीम के ऊपर। अगर आपको इस विषय में कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट को अच्छे से आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप चाहते हो कि हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स में वीडियो बनाएं तो वो भी हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको अगर ऐसे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं हर रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।